वर्तिका शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज वर्तिका हाजिर है हमारी कुकरी एक्सपर्ट मिसेस सुंदर दिनानी जी के साथ लेकर मसाला पॉपकॉर्न की रेसिपी। जी हाँ, ये वही पॉपकॉर्न है जिन्हें टाइम पास भी कहा जाता है और सिनेमा हॉल में बहुत एंजॉय किया जाता है, लेकिन ये घर पे एकदम परफेक्ट वैसे ही बनने जा रहे हैं। और इसका तरीका होगा थोड़ा सा डिफरेंट, ध्यान से देखिएगा। और हम वेलकम करेंगे मिसेस सुनीता दिनानी जी का। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट भी करिएगा। थैंक यू सो मच। तो हमने अपना हीटिंग पैन शुरू कर दिया है, पैन हमने रख दिया है, इसमें हमने तेल भी डाल दिया है। ये है मकई, ये होती है एक आती है पॉपअप होने वाली, हमें वही वाली मकई लेनी है। अच्छा ठीक है, ये हम इसमें डाल देंगे। ये हमें इतनी डालनी है कि तेल में पूरा तेल में डिप हो जाए, इतनी ही डालनी, उससे ज़्यादा हमें नहीं डालनी। ये आप देखिए पूरी तेल में अच्छे से डूब चुकी है, अब हम इसको कवर कर देंगे, हीट हम इसकी हाई कर देंगे और वेट करेंगे इसके पॉपअप होने का। जैसे कि आप देख रहे हैं ये पॉपअप हो रही है, इसकी साउंड भी हम अच्छे से सुन सकते हैं। क्या बात है सुनीता जी, जी वाह, देख रहे हैं आप, मैं भी देख रही हूँ, मज़ा आ रहा है ना, कितनी शानदार पॉपअप हुई है ये। और इसका पहला टिप तो यही है कि तेल कम नहीं रहना चाहिए, उसके अंदर पूरा अच्छे से ऑब्जर्व रहना चाहिए, क्योंकि जब मकई हो भीग जानी चाहिए तेल के अंदर, पहली बात तो यही ध्यान रखिएगा। और अब आप इधर देखिए, क्योंकि मैं भी इधर ही देख रही हूँ, और उसके हीट का भी आपको पूरा ध्यान रखना है, हीट उसकी थोड़ी हाई होनी चाहिए। ओके सुनीता जी, अब आप देखिए पॉपअप होना बंद हो गया, एक बार हम इनको हिला लेंगे, जिससे जो पॉपअप है वो तो ऊपर आ जाएंगे और जो हमारी मकई कच्ची रहेगी वो नीचे रह जाएगी, तो उसका भी पॉपअप होने के लिए टाइम मिल जाएगा। आई थिंक ये टोटली डन, ये हो चुके हैं जी, अब हम इनको निकाल लेंगे। वाह वाह, कितने वाइट हुए हैं एकदम, है ना जी। इसको हम इसमें निकाल लेंगे, देखिए कुछ कुछ जो रह गए वो अभी भी पॉपअप हो रहे हैं जी वो उछल उछल के बता रहे हैं कि अभी हम हो रहे हैं। पॉपकॉर्न अगर उछले ना तो फिर वो पॉपकॉर्न कैसे जी तो वर्तिका जी, हमने नाम दिया था मसाला पॉपकॉर्न, ये पॉपकॉर्न तो हमारे पॉपअप हो चुके हैं, अब हमें बनाने हैं इसे मसालेदार जी। पैन मैंने वापस रख दिया है, पैन हमने गरम कर दिया है, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा तेल, साथ ही इसे हम बनाएंगे थोड़ा बटरी, तो हम डालेंगे इसमें ये बटर। तो देखिए ये जो मसाला है ना, यही इसकी जान है, और आप ये देखिएगा ये मसाला इतना शानदार बनने जा रहा है, ध्यान से नोट करिएगा, जब भी पॉपकॉर्न बनाए ये मसाला ज़रूर से बनाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे बटर ही बनेगा, तो तेल के साथ बटर डाला गया है ताकि जो बटर है वो जले नहीं, ठीक है। वर्तिका मैं एक काम करती हूँ, इसको इजी बनाने के लिए मैंने एक ही इस बॉल में सारे मसाले मिला देती हूँ। ये है गार्लिक पाउडर, अच्छा, और ये है ऑनियन पाउडर, इन दोनों को मैंने मिला दिया है, ठीक है। लहसुन पाउडर और प्याज वाला जो पाउडर है जी, और ये दोनों चीज़ें इसमें बाज़ार में इजीली मिल जाती हैं, मिल जाती है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी पेस्ट भी डाल सकते हैं। ओके, सॉल्ट टू टेस्ट, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा ये चाट मसाला, इन सबको हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। इन सबको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया, अब ये हमारा बटर गरम हो चुका है तेल के साथ, इसको हम इसमें डाल देंगे, हल्के से सोटे करेंगे, ठीक है। साथ ही इसमें हम डालेंगे ये पुदीना पाउडर, ये ऑप्शनल है, अगर आपको पुदीने का फ्लेवर पसंद है तो आप इसको ऐड कर सकते हैं, नहीं तो अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। अब इस बार इस मसाले को हमें ज़्यादा पकाना नहीं है। अच्छा ऐसा भी है, हाँ। अब हम ये हमारे जो पॉपअप की भी मकई है उसको डाल देंगे। और देंगे इसको एक अच्छा सा मिक्स, उलट पलट करते हुए हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक बार हम इसको कवर लगा के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छा
हीट कर देंगे ऑफ, जिससे कि मसाला हमारा जले नहीं। उनको हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसमें हम थोड़ा चीज़ी फ्लेवर भी दे रहे हैं, तो इसके लिए मैं इसमें डाल रही हूँ पार्मेसान चीज़। सो चीज़ भी टोटल ऑप्शनल है, जैसे डालना चाहे तो डालें और अवॉइड करना चाहे तो हम कर सकते हैं। अब हम इसमें डालते हैं ये पार्मेसान चीज़। ये आ गई हमारी हम सबकी पसंदीदा चीज़, यानी कि चीज़। अभी अच्छे से मिक्स हो गए हैं, अब हम इन्हें डिश आउट कर लेते हैं। ये सबसे बेस्ट टाइम पास है। इसे भी आप सॉफ्ट ड्रिंक या हार्ड ड्रिंक के साथ खा सकते हैं, बच्चों की पार्टी में रख सकते हैं। सुनीता जी, दिखने में वाकई में बहुत टेम्पटिंग है और कलर कितना खूबसूरत है। ऐसे ज़रा सी हल्दी से और लाल मिर्च मिक्स हो गई तो इनहेंस हो गया कलर। बिल्कुल, लाइए। तो वर्तिका, ये मसाला पॉपकॉर्न तैयार हो गए, पर पहले से मैं टेस्ट करूँगी क्योंकि मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। ये लीजिए जी, योर टर्न। जो पता है आप लोग बहुत चिढ़ते होंगे कि देखो कितनी अच्छी चीज़ें खाती रहती है, और हम भी यही कहते हैं कि आप भी अपने घर में बनाएं और खाएं। और ये देखिए कितने अच्छे से ये रेडी हो गए हैं। आप देख रहे हैं कि कहीं से भी ये कच्चा नहीं है। वाओ सुनीता जी, एक्सक्लूसिव रेसिपी है। थैंक यू। सीरियसली मज़ा आ गया। बस मन तो कर रहा है कि इसको छालूं और मुँह में ऐसे खाती जाऊं और बैठ जाऊं और टाइम पास करूं टीवी के साथ। तो आप भी घर में देखिए, बच्चे होते हैं, बड़े हैं, सब जने हैं, जब भी कभी अपने पॉपकॉर्न बनाए हैं, कुछ गलतियां रह गई हैं, इसलिए बनाना बंद कर दिया है, वापस से बनाना शुरू कर दीजिए। मकई लीजिए, एक तो पॉपअप होने वाली, वो ध्यान रखिए। सबसे बड़ी बात, कुछ बातें उनका आप ध्यान रखिए और इस तरह से आप इसे तैयार करिए।